जी ओ लेवल अकाउंटिंग 7707 का हमारा ये आईजीसीएसई का क्वेश्चन है जो हम सॉल्व करने जा रहे हैं। आईजीसीएसई में आया है मई जून 14 22 का क्वेश्चन है। मई जून 14 22 आपको शॉर्ट ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है और आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी बनाना है। द वैली फुटबॉल क्लब हैज द फॉलोइंग एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। इक्विपमेंट है, इंश्योरेंस प्रीपेड दी हुई है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है, बैंक है, सब्सक्रिप्शन पेड इन एडवांस है, रेंट एंड रेट्स अक्रूड है, एक्युमुलेटेड फंड भी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। प्रिपेयर द सब्सक्रिप्शन अकाउंट, सबसे पहले वो कहता है रिसीट्स में लिखा हुआ है और पेमेंट्स दी हुई है आपको। इक्विपमेंट इज बीइंग डेप्रिशिएटेड एट 20% पर एनम ऑन द बुक वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट हेल्ड एट द एंड ऑफ ईच फाइनेंशियल ईयर। साल के एंड में जो इक्विपमेंट आपको दिया होगा उस पर आपने, ये देखा ना, ये 12,400 का है और इक्विपमेंट मजीद आपने परचेज किया 2,000 का, हो गया 14,400 का। उस पर आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे कितने परसेंट, 20%, और उससे आप उसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद कहता है द क्लब हैज 100 मेंबर्स, एनुअल सब्सक्रिप्शन इन 96, 96 इनटू 100 करेंगे तो 9,600 आ जाएगी। और ऑन 31 जनवरी 5 मेंबर्स स्टिल ओड देयर सब्सक्रिप्शन फॉर द करंट ईयर, यानी 5 मेंबर्स ने अभी भी सब्सक्रिप्शन के पैसे देने थे और 3 मेंबर्स साल के एंड में हैव पेड देयर सब्सक्रिप्शन इन एडवांस फॉर द ईयर एंडेड 31 जनवरी 2015। हम किसका बना रहे हैं, 14 का, तो वो सब्सक्रिप्शन हमें दी हुई है यानी ओपनिंग और क्लोजिंग, और उसने कहा है कि हमने सब्सक्रिप्शन अकाउंट जो है वो बनाना है, तो हम बनाते हैं सब्सक्रिप्शन अकाउंट। ईच मेंबर की सब्सक्रिप्शन हमें ऑलरेडी दी हुई है क्वेश्चन में, एक हर मेंबर सब्सक्रिप्शन जो है वो बताता है, दैट इज गोइंग टू बी 96 पर मेंबर। और उसने ये भी बताया कि 100 मेंबर्स हैं, उसके हिसाब से हम क्वेश्चन को सॉल्व जो है वो कर लेंगे, आसानी से अपना सब्सक्रिप्शन अकाउंट हम बना लेंगे। मेंबर्स कितने हैं उस हिसाब से भी आपको देखना है। सबसे पहले आपका आ जाएगा जी अक्रूड शॉर्ट टर्म, इधर आपका आ जाएगा जी अक्रूड, इधर आ जाएगा आपका प्रीपेड या इन एडवांस भी कह सकते हैं, चले इन एडवांस ही लिखते हैं क्योंकि मैंने देखा है कि ज्यादातर क्वेश्चन में इन एडवांस ब्रॉट डाउन ही आ रहा है। That would be the right thing also. Advance carry down. इधर आपकी आ जाएगी जी कैश फिगर, कितना कैश में आपको रिसीव हो रहा है। इधर आपकी आ जाएगी जी इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो देखते हैं जी क्रूड ब्रॉट डाउन हमारा कितना है। अगर हम देखें सवाल के स्टार्ट में तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग हमें दी हुई है 192 की और इन एडवांस दी हुई है 384। क्रूड ब्रॉट डाउन आपको दिया हुआ है बेटा 192 और सब्सक्रिप्शन इन एडवांस 384, जो कि आपकी लाइबिलिटी होती है, पिछले साल की सब्सक्रिप्शन आपको एडवांस में रिसीव हो गई थी, इस साल की सब्सक्रिप्शन पिछले साल रिसीव हो गई थी 384। उसके बाद सब्सक्रिप्शन जो कैश में रिसीव हो रही है आपको 9216 दी हुई है हमें, दैट इज गोइंग टू बी द कैश फिगर 9216। और जो एंडिंग है वो भी आपको दी हुई है, वो कहते हैं जी 5 मेंबर्स स्टिल ओल्ड देयर सब्सक्रिप्शन फॉर द करंट ईयर। तो 5 को बेटा ईच मेंबर की जो सब्सक्रिप्शन है वो उसने हमें बताई है कि कितनी है, 96 है। 5 मेंबर्स स्टिल ओड का मतलब है उन्होंने देने हैं पैसे भी हमें। 5 मल्टीप्लाइड बाय 96 ये आपका आ जाएगा 480 और 3 मल्टीप्लाई बाय 96 आपका आ जाएगा 288। ये जो है आपका आ जाएगा 480 और इन एडवांस कैरी डाउन जो है वो आपका आ जाएगा 288। इसका डिफरेंस ले लेंगे, दैट इज गोइंग टू बी द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फिगर। और आप देखिएगा वो आपकी 100 × 96 9,600 ही आए, 9,600 ही आए। अगर आप कर लें कैलकुलेट, इसका टोटल भी कर लें कितना आता है, टोटल भी राइट साइड है कितना आता है, सर 10,080। और ये माइनस कर दें आप 9,600 ही आ रहा है ना, अगर ये हमें ना भी दिया होता बेटा तो भी सर 9,600 ही आ रहा है। हजारी बात है क्योंकि 100 मेंबर्स हैं और एनुअल सब्सक्रिप्शन 96 है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 9,600 आपकी आएगी फॉर द सब्सक्रिप्शन इनकम फॉर द ईयर। मिली कितनी है उससे हमारा ताल्लुक नहीं है,
सब्सक्रिप्शन अकाउंट जो है वो हमने इस तरीके से डेवलप कर ली है। अब हमने अपना क्या बनाना है जी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, तो वो हम बनाते हैं। आपके यहाँ इनकम्स इनकम में सबसे पहले बेटा हम वही लिख लेते हैं, मतलब जो है हमारी सब्सक्रिप्शन है वो है आपकी 9600 की, दैट विल बी अ पार्ट ऑफ द इनकम। उसके बाद और इनकम देखते हैं कितनी दी हुई हमें, तो आप गौर करें तो कंपटीशन रिसीट्स दी हुई है 877 की, ये भी आपकी इनकम है। कंपटीशन रिसीट्स दी हुई है 877 की, तो वो आ जाएंगी, वो हम लिख लेंगे 77। और लिखते हैं और कोई इनकम मेरे ख्याल में तो मौजूद नहीं है क्वेश्चन में, तो दिस इज गोइंग टू बी द आवर एक्सपेंसेस, आवर इनकम। इसका टोटल कर लें कितना आता है जी, इसमें से हम सर 10,477 एक्सपेंसेस कर देंगे हम, उसमें बेटा आपका एक तो इंश्योरेंस आ जाएगा, फिर आपका रेंट है रेट्स है वो आ जाएगा, डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट है वो आप लिखेंगे, बाकी हम देखते हैं। सबसे पहले इंश्योरेंस की बात करते हैं बेटा, अगर आप गौर करें तो इंश्योरेंस प्री पेड दी हुई है आपको 1 मंथ की 20, और ये जो इंश्योरेंस दी हुई है 15 महीने की 31st में, ये 15 मंथ्स की दी हुई है। 15 मंथ्स का मतलब क्या हुआ कि 20 अगर 1 महीने की है तो हमें डायरेक्ट अकाउंट इसमें बनाने की जरूरत नहीं है, अकाउंट बना के भी कर सकते हैं आप। इसका मतलब है कि इसमें से 3 महीने की प्रीपेड है और ओपनिंग प्रीपेड भी 20 दी हुई, तो 12 महीने की कितनी बनेगी बेटा इंश्योरेंस 240। सर कैसे बेटा, उसने क्योंकि बता दिया है कि 20 एक महीने की है, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, 240 आपकी इंश्योरेंस एक्सपेंस बढ़ जाएगा पूरे साल का, इस साल का, क्योंकि 20 एक महीने की इंश्योरेंस है, ये बात है। 31st मई तक आपने पे किया, इसका मतलब है फरवरी मार्च अप्रैल और मई, 4 महीने की आप जो है वो ऊपर पे कर चुके हैं, और पिछली आपने 1 महीने की जो पिछले साल की थी वो पे की थी, 3 माह की आपने ज्यादा पे कर दी, तो हम 12 माह की लेंगे सिंपल। 20 आपकी 1 महीने की है तो मल्टीप्लाई बाय 12 करेंगे तो वो आ जाएगी। रेंट एंड रेट्स देखें, अक्रूड दिए हुए आपको ओपनिंग, एंडिंग अक्रूड होते तो वो एड हो जाते, ओपनिंग अक्रूड क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, एंडिंग अक्रूड होते तो क्या हो जाते ऐड हो जाते, ओपनिंग जो है वो माइनस कर देंगे, ठीक है। तो रेंट एंड रेट्स कितने दिए हैं आपको 300 से आप माइनस कर देंगे, 300 तो आपको दिया है ना, अक्रूड कितने 320, रेंट एंड रेट्स 4160 माइनस 320, आपका रेंट एंड रेट्स का आंसर आ जाएगा सर 3840। पहले तो आ चुका 20% है, कैसे करेंगे इक्विपमेंट 12,400 प्लस 2,000 तो आ जाएगा 14,400, 14,400 का 20% निकालने कितना आता है, सर ये आ रहा है 2880 2880 ये आपके आ जाएगी जी डेप्रिसिएशन, ठीक है जी। इंश्योरेंस भी लिख ली, डेप्रिसिएशन भी लिख ली, उसके बाद कंपटीशन एक्सपेंसेस हैं और जनरल एक्सपेंसेस हैं, 394 के कंपटीशन एक्सपेंसेस हैं वो लिख लेते हैं हम। उसके बाद जनरल एक्सपेंसेस हैं आपके वो लिख लेते हैं, वो कितने के हैं देख लेते हैं। जनरल एक्सपेंसेस आपको दिए हैं 4271 टोटल कर लेंगे एक्सपेंसेस का,
वो हम माइनस कर देंगे तो आपके पास फिगर आ जाएगी सरप्लस या डेफिसिट जो भी आपका आता है। लुक्स लाइक इट इज सरप्लस, लेकिन टोटल मुझे आप पहले बता दें, बाद में लिखता हूँ। सर टोटल आ रहा है 11,625। डेफिसिट आ रहा है फिर जी सर। आ रहा है जी डेफिसिट हमारा सर 1148। 1140। सर 1148। चलिए 1148 आपके लिए, ये हमारा डेफिसिट आ जाएगा। एक दफा दोबारा देख लेते हैं, हमने कोई चीज मिस तो नहीं कर दी, सारा हमने रिकॉर्ड कर लिया है। 20% डेप्रिसिएशन भी ले रही है, सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना था, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना था, वो हमने बना लिया। स्टेट द अमाउंट ऑफ द एक्युमुलेटेड फंड ऑन 31 जनवरी 2014, 14 की बात कर रहे हैं इस साल की, तो क्या करेंगे बेटा, एक्युमुलेटेड फंड जो ऊपर दिया हुआ है 15,400, इसमें डेफिसिट क्या कर देंगे हम, माइनस कर देंगे, यानी बैलेंस शीट का उसने पूछा है असल में, लेकिन बैलेंस शीट मांगी नहीं हुई ना। फंड हमें दिया हुआ है कितना, अगर आप देखें तो 15,400 का, इसमें से लेस कर देंगे हम डेफिसिट। वो आपका है जी 1148 का आंसर आ जाएगा जी आपका सर 14,252। 14,252 ठीक हो गया। ये हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है मई जून 14-22 का। Explain to a member of the club why the accumulated fund cannot be distributed among the club members in the form of dividend. Because there is no more, yani they are not, there is no owner of the club. They are just the members of the club. So there is no profit and there is no drawings also. So accumulated fund is not supposed to be distributed between the club members because there is no owner. There is no profit which has to be given to the members. इसी तरह अगला जो है आपने देखा है some years ago में accumulated fund इसका भी दिया है, amount received और paid दी हुई है, subscription account कहता है जी कि आपने बना के दिखाना है, ये अक्टूबर नवंबर का सवाल है। फिर रिपीट कर रहा हूँ, देखें क्लब हैज 100 members and annual subscription is 120। जो आप multiply करेंगे 100 into 120, उसी से आप सवाल सॉल्व करेंगे। 100 into 120 को 12,000 जो आपका आएगा, that is going to be the subscription income. Subscription income में 12,000 ही आप रिकॉर्ड करेंगे for the whole year. इसने रिसीव पेमेंट अकाउंट होता है। दो नंबर 15-23 है। उसकी रिसीव पेमेंट दी है, सब्सक्रिप्शन है। सब्सक्रिप्शन कहता है आपने निकालनी, इन्वेंट्री दी हुई बेटा ओपनिंग क्लोजिंग, जब आपको पता है अगर इन्वेंट्री ओपनिंग क्लोजिंग दी हो तो उसका मतलब क्या होता है कि आपका जो है वो बनेगा रिफ्रेशमेंट ट्रेडिंग अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा, और ट्रेडिंग अकाउंट के बाद आपको फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेवेलप करना पड़ेगा पूरे सवाल के साथ। ये भी आप घर में कीजिएगा क्वेश्चन। यहाँ भी देखें कैफे इन्वेंटरी दी हुई, कैफे सप्लायर्स भी दिए हैं और कैफे सेल्स भी उसने दी है 10430 की, ठीक है जी। इसमें भी सब्सक्रिप्शन का अकाउंट आपने बनाना है मई जून 16-21 का, और कैफे की इनकम स्टेटमेंट आपने बना के दिखानी है, तो वो मैं आपके सामने डेवलप करता हूँ। तो कैसे आप
कैसे आप उसको बनाएंगे कितने से? और सबसे पहले आपने क्या बनाना है जी? सब्सक्रिप्शन का अकाउंट ही पहले बना देते हैं। वैसे तो कैफे के अकाउंट में, कैफे इनकम सिस्टम में सब्सक्रिप्शन का अकाउंट कोई इफेक्ट नहीं करता। सब्सक्रिप्शन का अकाउंट पहले बना के दिखा रहा हूँ आपको, वो हम डेवलप जो है वो कर लेते हैं। सब्सक्रिप्शन अकाउंट जो 14 बाईस का किया आपने, 16 बाईस का आपने किया, इधर आपका आ जाएगा क्रूड ड्रॉट डाउन, इधर आपका आ जाएगा ये क्रूड कैरिड डाउन, इधर प्रीपेड। जैसे करते हैं आप, एडवांस लिखता हूं मैं, इधर आपका आ जाता है इन एडवांस कैरिड डाउन, कैश आ जाएगा ये आपको, आपका इनकम एंड एक्सपेंस देखता हूँ। ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं। सब्सक्रिप्शन अक्रूड कितनी है? 760 और 285। अब जरा गौर कीजिएगा इसके ऊपर सवाल पे। 760 अक्रूड ब्रॉट डाउन है, 285 अक्रूड कैरिड डाउन, हमने लिख ली। सब्सक्रिप्शन प्री पेड जो है वो आपकी कितनी है? 1045 या इन एडवांस कह लें ओपनिंग है, 1045 सब्सक्रिप्शन इन एडवांस ओपनिंग है, और क्लोजिंग जो है वो हमें नहीं पता। ठीक है, अगर हमें यहाँ भी पता होता कि कितने मेंबर्स हैं और ईच मेंबर की सब्सक्रिप्शन क्या है, तो हम उसे मल्टीप्लाई करके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की फिगर निकाल लेते हैं, और मेंबर्स के जरिए हम इनकम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की फिगर जो सब्सक्रिप्शन की थी वो लिख लेते। सब्सक्रिप्शन रिसीव कितनी हो रही बेटा? ये लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन जो कैश में रिसीव हो रही है 16910, इधर आ जाएगी आपकी 16910। डिफरेंस है वो आपकी सब्सक्रिप्शन इनकम में रिकॉर्ड हो जाएगी, दैट इज गोइंग टू बी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फिगर, क्योंकि एडवांस तो है ही नहीं। टोटल बताएं क्रेडिट साइड कितना आता है जी? टोटल बताएं क्रेडिट साइड कितना आ रहा है हमारा? सर 18240। 40, इधर भी आपका आ जाएगा जी 18240, उसमें से माइनस कर देंगे 760, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फिगर आपके पास आ जाएगा सर 17480। 17480। अब हमने बनानी है जी कैफे इनकम स्टेटमेंट, यानी कैफे इनकम स्टेटमेंट आप भी कह रहे हैं, इसको कैफे ट्रेडिंग अकाउंट भी बोलते हैं, एक ही बात है। तो कैफे ट्रेडिंग अकाउंट भी आप रिकॉर्ड कर सकते हैं या कह सकते हैं। इसमें आपकी आ जाएगी पहले कैफे सेल्स, कैफे सेल्स में सबसे पहले आप देखेंगे लिखी हुई कैफे सेल्स 10430 की, हम लिख लेंगे इधर 10430, इसमें से लेस कर देंगे जी कॉस्ट ऑफ सेल्स, ऐसे कॉस्ट ऑफ कैफे भी कह सकते हैं आप, एक ही बात है, कॉस्ट ऑफ कैफे भी कह सकते हैं आप। ओपनिंग इन्वेंटरी ऐड इसमें हो जाएगा जी चीजेस, ऐसे इसमें से हम कर देंगे क्लोजिंग, देखते हैं ओपनिंग इन्वेंटरी हमारी कितनी है, 790 और क्लोजिंग है 850। ओपनिंग है जी हमारी 790 और क्लोजिंग हमारी है जी 850। परचेजेस हमें बेटा निकालनी पड़ेगी, उसके लिए क्या बनाना पड़ेगा? पीएलसी। पीएलसी हम निकाल लेते हैं, बना लेते हैं ये अकाउंट, वो थोड़े स्पेलिंग गलत हो गए बेटा, उसको खुद एडजस्ट देख लीजिएगा। पीएलसी का टी अकाउंट हम जो है वो डेवलप कर लेंगे। हमारे पास उसका क्रेडिट साइड में ड्रॉ डाउन आता है आपका, इधर आपका आ जाएगा कैरी डाउन, इधर पेमेंट टू क्रेडिट पेबल, इधर आपके आ जाएंगे क्रेडिट परचेजेस। देखते हैं ब्रॉडन हमारा कितना दिया हुआ है ट्रेड पेबल्स का, कैफे सप्लायर्स का 1292 और 1137, 1292 और 1137, वो हम देखते हैं जी 1292 क्रेडिट डाउन 1137। पेमेंट टू ट्रेड पेबल जो हमारी है वो कितनी हमने की है जी? ये लिखी हुई कैफे सप्लायर्स को ही पेमेंट है,
7998. अगर ओपनिंग क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स दिए हो तो हमें यही सपोज करते हैं कि वो पेमेंट है, तो बताएं क्रेडिट परचेजेस कितनी आती है दोनों का डिफरेंस निकाल के. सर 7843. ये परचेजेस हम यहाँ पे लिख लेंगे जहाँ हमने रिकॉर्ड करनी है. टोटल कर लेंगे ओपनिंग इन्वेंटरी प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग, तो आपका आ जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स का आंसर कितना आ जाता है जी, ताकि आप ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड कर सकें. जी सर 7783. ये आपका आ जाएगा जी 7783, ये माइनस कर दें तो आपका जीपी आ जाएगा. ये इसको कैफे ट्रेडिंग प्रॉफिट भी आप कह सकते हैं अगर कोई एक्सपेंसेस कैफे के नहीं है. मेरा ख्याल है दिए हुए हैं इसलिए मैंने इसको ऐसे लिखा था. जी सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस करें क्या आता है आंसर. सर 2647. 2647 आपका ये लॉस प्रॉफिट आ जाएगा. और इसमें से अगर आप कैफे के एक्सपेंसेस है तो माइनस कर देंगे, लेकिन अगर आप कस्टमर में देखें तो कैफे के कोई एक्सपेंसेस मुझे एज सच नजर नहीं आ रहे. ठीक है जी, तो यही हमारा कैफे का प्रॉफिट है, यही हमारा कैफे की ट्रेडिंग प्रॉफिट है. और इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट आप इसका जो है वो कर सकते हैं. उसमें आपने गौर ये करना है कि जो एसेट हम सेल कर रहे हैं ना उसका प्रॉफिट और लॉस आपने लाजमी लिखा. ठीक है जी, तो कैफे की इनकम स्टेटमेंट हम बनाते हैं, सॉरी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हम बनाते हैं. डॉलर के साइन आ जाएंगे आपके. सबसे पहले आपकी इनकम आ जाएंगी यहाँ पे. इनकम में सबसे पहले हम लिखेंगे जी आपका कैफे प्रॉफिट जो है नाम से लिखा हुआ है तो कैफे प्रॉफिट ही वो आपका आ जाएगा 2647. इन्वर्टर सब्सक्रिप्शन आपकी मेन सोर्स ऑफ इनकम होती है वो हम लिखेंगे. सब्सक्रिप्शन आपकी आ जाएगी जो कि है आपकी 17480 की, दैट इज द मेन सोर्स ऑफ इनकम फॉर द क्लब. और हम देख लेते हैं और कोई इनकम अगर हम देखें तो ये जो प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ ओल्ड इक्विपमेंट है वो 1049 की दी हुई है ये वाली बेटा. और जो एसेट बेचा है उसकी जो बुक वैल्यू है वो कितनी है 956 है. ठीक है जी, बुक वैल्यू में से 1049 माइनस 956 हम कर देंगे. 1059 माइनस 956, 103 का आपको बेसिकली क्या हो रहा है बेटा, प्रॉफिट हो रहा है. वो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट आपको यहाँ लिखना पड़ेगा. और कोई इनकम इसमें नहीं है, इसका टोटल कर लेंगे वो आगे ले जाएंगे, उसमें से फिर एक्सपेंसेस हम माइनस करेंगे. पहले इसका टोटल जो है वो कर लिया. वो काफी क्वेश्चन करवा दिए इसके नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के, उसकी वजह यही है बिकॉज आई बिलीव दैट वी आर गोइंग टू फाइंड अ क्वेश्चन. सर आंसर आ रहा है 20,050. और एक्सपेंसेस में सबसे पहले जो है हम देखते हैं उसमें बेटा रेंट एंड रेट्स और इंश्योरेंस है, उसको देखते हैं कैसे निकालना है बेटा. आपने रेंट एंड रेट्स और इंश्योरेंस अगर आप देखिए अच्छा जनरल एक्सपेंसेस भी दिए हुए आपको 14,794 के, चलिए वो लिख लेते हैं पहले. उसके बाद डेप्रिसिएशन और इक्विपमेंट जो है वो आपने निकाल ली. सबसे पहले 794
14,794 वो तो लिख लिए ना, रेंट रेट्स को देखते हैं। रेंट रेट्स आप देखें, प्रीपेड दिए में 155 और 180 दिए में एंडिंग 155 और 180। इसका बेटा हम बना लेते हैं टी अकाउंट, तो मैं आपके लिए बना रहा हूँ, जबानी भी कर सकते हैं लेकिन बेहतर ये होता है कि हम अकाउंट उसका बना के सॉल्व करें। इधर आपका आ जाएगा प्रीपेड, डाउन 155, इधर आपका आ जाएगा प्रीपेड डाउन 180, इधर आपकी आ जाएगी कैश फिगर, जितना कैश में मिल रहा है आपको, जितना कैश में पे कर रहे हैं सॉरी 4860 आपके आएंगे इनकम एंड एक्सपेंसिव अकाउंट, बताएं कितनी आती है। सर 4835 ये हम आप लिख लेंगे 4835 जो कि हमारी निकल आई है रेंट एंड रेट्स की अमाउंट 4835 जिसके लिए हमने अकाउंट बनाया है और अकाउंट बना के हमने फिर इसको वो सॉल्व किया। डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट जो है ना, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था कि डेप्रिसिएशन इक्विपमेंट जो हमें दिया हुआ है, अगर आप वो देखें तो इक्विपमेंट पहले से तो पड़ा हुआ है ही नहीं हमारे पास, पहले से कोई इक्विपमेंट नहीं मौजूद। इक्विपमेंट आपने नया खरीदा 16,300 का, ऑल द इक्विपमेंट वॉज सोल्ड and was replaced by the new equipment at the date of sale, the net book value equipment was 956 और proceed उसने ताज़ हमें इसका profit loss calculate कर लिए, सारा बेच दिया था ना, तो new equipment पर 16,300 पे depreciation होंगी आपके पास 15%, बताएं कितनी आती है 16,300 में 15%, क्योंकि बाकी जो पिछला था सारा वो सारा बेच दिया था और उसका profit loss 2445 टोटल कर ले, ये माइनस कर देंगे तो आपका सरप्लस या डेफिसिट जो है वो निकल आएगा। और कोई चीज अगर हम लिखे जो हमने मिस की हो या हम लिखने से रह गए हो या हमने ना लिखी हो तो एक दफा उसको नजर मार लेते हैं, ऐसे कोई चीज नजर नहीं आ रही तो इसको हम लिख लेते हैं टोटल इसका। Sir, 22,074. आपका डेफिसिट ही आ रहा है दोबारा, सर 2,024. 2,024 आपका ये निकल आएगा डेफिसिट। ये मैंने दो तीन क्वेश्चन आपको करवा दिए आईजीसीएसई के भी, अब हम देखेंगे कि हमें और कोई जरूरत पड़ती है क्वेश्चंस की तो हम इंशाल्लाह ताला वो भी करेंगे, जरूरत पड़ेगी तो। बाकी रिवीजन के अंदर मैंने बताया था कि मंडे को, ये मई जून 16-21 का सवाल है, इससे पहले मैंने मई जून 14-22 करवाया था, तो कैफे इनकम स्टेटमेंट बनानी है, सब्सक्रिप्शन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये देखें अक्टूबर नवंबर 16-22 है, ये आप करें सवाल अगला, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला, ये लाजमी कीजिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है इससे नेक्स्ट जो है, नहीं तो कहेंगे तो मैं खुद भी करा दूंगा, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। जून 17-22 ऐसा मैं आपको पहले ही करवा चुका हूँ, इसमें डिसीजन पेमेंट अकाउंट बनाना है आपको, हम ऐसा कर चुके हैं, ये आसान है, इसमें भी कोई ऐसी मुश्किल नहीं है। सर मैंने एक चीज पूछनी थी कि सर जो अब एग्जाम आ रहा है तो सर कौन से टॉपिक्स पे स्पेसिफिकली सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए? इसका सवाल है देखिए एनपीओ जो है ना वो तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एनपीओ इस दफा के हिसाब से इम्पोर्टेंट है, एनपीओ तो आप लाजमी अच्छे तरीके से करें, NPO is going to be an important part of your syllabus regarding this attempt. NPO है important, इसको आपको सॉल्व करना चाहिए अच्छे तरीके से।
ये मैंने क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा दिए, थैंक यू वेरी मच।